गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन बिहेव के चैप्टर नंबर फर्स्ट द फर्म दे हैव। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। किस प्रकार के टीचर्स मार्गी और टॉमी के थे इसके बारे में बताएंगे। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। ये चैप्टर जो बताया गया आपको फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, उसमें मार्गी और टॉमी जो है वो उनके कौन कैसे टीचर्स थे, मैकेनिकल टीचर्स। दे अपीयर डेली ऑन देयर टेलीविजन स्क्रीन। और वो कहां पर आते थे, रोटी जिस तरह आप लोग स्कूल जाते हो वैसे नहीं आते थे, उनके टीचर हमेशा टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई देते थे जो कि मैकेनिकल टीचर्स होते थे। एट फिक्स्ड टाइम एंड गेव देयर लेसन। वो फिक्स टाइम पर आते थे और जो अपना लेसन थे वो उनको सिखाते थे। दे गेव देम होमवर्क। मैकेनिकल टीचर्स आपके टीचर्स की तरह ही वहां पर होमवर्क देते थे। चेक्ड देयर होमवर्क, उनका होमवर्क भी चेक किया जाता था। एंड जज देयर प्रोग्रेस इन स्टडी, और उनकी कितनी प्रोग्रेस हुई है स्टडी के अंदर, कितना उनका विकास हुआ है, कितनी प्रगति हुई है, इसके बारे में वो बताते थे। कौन बताते थे, जो उनके मैकेनिकल टीचर थे। आपकी तरह स्कूल नहीं लगते थे उनके, उनके मैकेनिकल टीचर हुआ करते थे। और वो डेली कहां पे आया करते थे, टेलीविजन स्क्रीन पर आया करते थे और अपने चैप्टर दिया करते थे। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी की जो मदर है उन्होंने क्यों बुलावा भेजा था काउंटी इंस्पेक्टर को। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट टू मार्गी इन ज्योग्राफी। क्योंकि उनके जो मैकेनिकल टीचर थे वो बार बार क्या कर रहे थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह लगातार टेस्ट देते जा रहे थे ज्योग्राफी के। मार्गी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो उनका नतीजा क्या हो रहा था, उसका रिजल्ट बुरा जा रहा था, बहुत बुरा रिजल्ट जा रहा था। हर मदर वॉज वेरी अपसेट विद इट, जिसकी वजह से उसकी मदर अपसेट होगी। सो शी सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू चेक हर मैकेनिकल टीचर। तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजा ताकि उनके मैकेनिकल टीचर को चेक किया जाए जो कि उनको बार बार टेस्ट दे रहा है, यानी कि उनकी जो तकनीकी शिक्षा थी उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम, व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया। ही टुक द मैकेनिकल टीचर अपार्ट, उन्होंने क्या किया, उस सारे कंप्यूटर को जो उनका मैकेनिकल पार्ट था उसको खोल के चेक किया। ही चेक्ड वेरी एवरी पार्ट ऑफ इट, उसने प्रत्येक भाग को चेक किया। ही फाउंड दैट द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ मैकेनिकल टीचर वॉज वर्किंग एट फास्ट स्पीड। तो उन्होंने पाया, जो उनके काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने देखा, जब वो उनको चेक करने के लिए आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो ज्योग्राफी का मैकेनिकल टीचर है वो बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं। ही स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल स्टूडेंट, और उन्होंने उसकी जो स्पीड थी उसको फिर से सेट किया, स्लो स्पीड पे कर दिया, जो कि एक 10 वर्ष के बच्चे की स्पीड के अकॉर्डिंग उसको सेट कर दिया गया। ही रीअसेंबल्ड इट, उसको दोबारा से असेंबल किया गया, जोड़ा गया, एंड नाउ इट वॉज वर्किंग स्मूथी, और अब वो अपने काम को ढंग से कर रही है। फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे, वाई वॉज मार्किंग डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। जो मार्गी थी उसका प्रदर्शन जो था, यानी कि वो अपना काम बिल्कुल खराब क्यों कर रही थी ज्योग्राफी के विषय में। What did the county inspector do to help her? और उनके county inspector ने किस तरह उनकी मदद की। The geography sector of Margie's mechanical teacher was geared a little too quick. तो उनकी जो स्पीड थी ज्योग्राफी टीचर की, ज्योग्राफी जो मैकेनिकल टीचर थे उनकी जो स्पीड थी वो बहुत तेज हो गई थी। शी कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू इट प्रॉपरली, जिसकी वजह से मार्गी ने, अगर आपको भी ज़्यादा काम दिया जाएगा तो आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी काम करने की, और टीचर आपको ज़्यादा पढ़ा रहा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा है तो उनको आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो वीक हो जाएगी। तो उन्होंने, जैसे उनके काउंटी इंस्पेक्टर आए तो उन्होंने क्या किया, उसका रिस्पॉन्स जो था उसको प्रॉपर किया। शी कुड नॉट रिस्पॉन्स टू इट प्रॉपरली, उन्होंने अपना जो रिस्पॉन्स था वो मार्गी अच्छे से नहीं दे रही थी। सो शी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, और उनका जो परफॉर्मेंस थी
बैडली यानी बहुत बुरी थी, किस सब्जेक्ट के अंदर, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के अंदर। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड इट, और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसको खोला सारे सिस्टम को और उन्होंने उसको चेक किया और उनकी जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के ऊपर मैकेनिकल टीचर की जो स्पीड थी उसको स्लो किया इट टू एन एवरेज 10 ईयर स्टूडेंट लेवल, और उसको कहाँ तक लेके आए, एक 10 वर्ष के स्टूडेंट की जितनी स्पीड होती है ज्योग्राफी करने की उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर दिया। थैंक यू सर।